नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ विजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ नेहा। गरियाबंद के छुरा वन परिक्षेत्र के जंगल में बेहोशी की हालत में मिले भालू को उपचार के बाद घने जंगलों में छोड़ दिया गया। भालू के उपचार के लिए विशेष रूप के जंगल सफारी के चिकित्सकों को छुरा बुलाया गया था। इलाज जिसकी देखरेख में भोजन पानी देने के बाद उसे आज दोपहर उसी जंगल में छोड़ दिया गया जहां वो बेहोशी की हालत में मिला था। इस संबंध में पशु चिकित्सक डॉक्टर राकेश वर्मा ने कहा कि गर्मी के चलते हीट बहुत ज्यादा हो गया था, पानी नहीं मिला, जिसके चलते यह हुआ। कल सुबह परिक्षेत्र अधिकारी छुरा को इस बात की सूचना मिली थी कि एक भालू जो है वो अचेत अवस्था में नवाडी गाँव के पास के जंगलों में मिला है। और तत्काल रायपुर से हम अपनी टीम के साथ यहाँ आए और हम लोगों ने जो उसको रेस्क्यू करके जब उसकी जांच की तो संभवतः अत्यधिक गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से वो अचेत हो गया था, जिसका कि तत्काल इलाज किया गया। और शाम के लगभग 7-7:30 बजे वो पूर्णतः होश में आकर खाने पीने लग गया है। अभी सुबह भी उसने अच्छे से भोजन किया है, उसको फल तरबूज पपीता वगैरह दिया गया है जिसका उसने अच्छे से सेवन कर लिया है और वो बिल्कुल अब स्वस्थ है। तो उसे ज़्यादा देर तक कैप्चर न रख के हम उसको उसके प्राकृतिक रहवास में जल्द से जल्द छोड़ देंगे। वहीं DFO से चर्चा करने पर वे कहते हैं जंगल में पानी की कोई कमी नहीं है। नवाडीही के जंगल में एक भालू बेहोशी के हालत में लोगों ने देखा, वन विभाग को सूचना दी। रंजन तथा अन्य कर्मचारी पहुँच कर भालू को जाल के माध्यम से रोंगे रखे और पानी आदि का छिड़काव किया गया। वन जीव चिकित्सक डॉक्टर राकेश वर्मा को जंगल सफारी से तत्काल बुलाया गया और अंततः चिकित्सक ने भालू को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिसके बाद भालू का उपचार के लिए छुरा वन परिक्षेत्र लाया गया जहां उसे छुरा के पिंजरे में रख भोजन के रूप में कालिंदर पपीता दिया गया तथा उसके स्वस्थ होने पर उसे उसी जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। काफी आक्रामक भी होने लगा। अधिकारियों की मौजूदगी में भालू को पुनः जंगल में छोड़ने टीम जंगल में गई, जहां भालू को छोड़ने के बाद भी भालू जाने को तैयार नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद भालू सुस्त चाल से जंगलों की ओर गया, किंतु इस जंगली जीव में जो फुर्ती रहती है वह देखने को नहीं मिल रही थी। इस संबंध में चिकित्सक राकेश वर्मा से चर्चा करने पर वह कहते हैं गर्मी के चलते भालू हीट हो गया था, पानी की कमी संभवतः हो। वहीं दूसरी ओर DFO मयंक अग्रवाल का कहना है कि जंगल में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। उसका कारण क्या सर, ये पानी वानी क्या जंगलों में पानी? जंगल में पर्याप्त पानी की व्यवस्था है, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है कि जहाँ पे जंगली जानवर गांव की तरफ आ रहे हो। एक दो स्ट्रे इंसिडेंट कहीं कहीं हुए हैं, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक हमें जिले में नहीं सुनने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।